नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा देवान। डॉक्टर पूजा देवान गायनी चैट पर आपके प्रश्नों के उत्तर कॉपर्टी, जो हमारा पॉपुलर वीडियो है, उसके फायदे और नुकसान पे चर्चा के लिए आज आपके रूबरू हूँ। कॉपर्टी के साथ बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं। लोग घबराते हैं कॉपर्टी डलवाने से, कहते हैं कि कॉपर्टी के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उसमें से कुछ प्रश्न जो लोगों ने हमसे पूछे हैं कि क्या कॉपर्टी लगवाने के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, क्या कॉपर्टी लगवाने के बाद मेरा वजन बढ़ जाएगा, क्या कॉपर्टी लगवाने से मेरी सेक्सुअल लाइफ में फर्क पड़ेगा कि नहीं, इन तीन मुद्दों को डिस्कस करने के लिए आज मैं आपके समक्ष हूँ। आइए, जिन लोगों ने इस YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट सीरीज शो जो हमारे चैनल पे चलता है उसको आंसर करने के लिए मैं आपके रूबरू हूँ। आपका सवाल हमारा जवाब, आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा देवान, द क्वेश्चन एंड आंसर आवर। पंकज कुमार जी पूछते हैं कि कॉपर्टी लगवाने के बाद हमें सेकेंड टाइम कंसीव करना है, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं आएगी? कॉपर्टी एक सेफ डिवाइस है, इसको डलवाने के बाद आप कंसीव कर सकते हैं। जिस दिन आपका मन करे आप उस दिन जाके कॉपर्टी रिमूव करवा सकते हैं। ये एक मिनट से कम का प्रोसीजर है जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ओपीडी में हल्के से डिस्कम्फर्ट से भी कम के साथ ये कॉपर्टी निकाली जा सकती है। इसके लिए आपको बेहोशी या एनेस्थीजिया की आवश्यकता नहीं है। बचा कि क्या कॉपर्टी के नुकसान हो सकते हैं, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि कॉपर्टी निकालने के तुरंत अगले महीने से ही आप कंसीव करने की फुल कैपेसिटी रखती हैं। अगर कॉपर्टी आपने डाली थी और कॉपर्टी डालने के दौरान आपको इन्फेक्शन हो गई, गंदा पानी आने लग गया, पेट में दर्द होने लग गई, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, और डॉक्टर ने ये प्रूव करा कि आपको PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉपर्टी की वजह से है और उसका उन्होंने अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है, तो इन्फेक्शन अगर कॉपर्टी की वजह से भी हो जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कंसीव हो सकते हैं। रेयर सर्कमस्टेंस ये होता है कि इतनी ज़्यादा PID हो जाए कि यूट्रस की लाइनिंग डैमेज हो जाए या ट्यूब्स जो है फेलोपियन ट्यूब्स उसके अंदर गंदा पानी, इन्फेक्शन वगैरह आ जाए। मैं मानती हूँ कि PID इन्फेक्शन के चांसेस कॉपर्टी डालने के बाद थोड़े से बढ़ जाते हैं, पर क्या बिना कॉपर्टी डाले भी इन्फेक्शन यूट्रस की वजाइना की नहीं होती? होती हैं। क्या ट्यूब्स के अंदर इन्फेक्शन, पानी, महावार, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज नहीं होता है? होता है। तो कॉपर्टी से इतना क्या घबराना, कॉपर्टी आपको प्रोटेक्शन देता है कॉन्ट्रसेप्शन की तरह, और 100 में से एक से भी कम परसेंट चांस है कि कोई कंसीव कर ले कॉपर्टी के दौरान। जिस महीने आप निकलवाएंगे उसके अगले महीने से आप कंसीव करने के लिए एब्सोल्युटली रेडी हैं। ये एक बहुत ही सेफ मोडालिटी कॉन्ट्रसेप्शन का है। सुरेंद्र सिंह जी ने एक अलग सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मेरे दो बच्चे हैं, मेरा दूसरा बच्चा सिजेरियन से हुआ था, सिजेरियन के दौरान कॉपर्टी डाल दी गई थी, अब मैं कॉपर्टी निकलवाना चाहती हूँ और बच्चा बंद करने का, नसबंदी का ऑपरेशन कराना चाहती हूँ, तो कॉपर्टी कब निकलवाऊँ? आप सिजेरियन डिलीवरी के तुरंत बाद अगर कॉपर्टी डला है तो भी जब भी मन करे आप कॉपर्टी निकलवा सकती हैं और डॉक्टरी सलाह के हिसाब से आप नसबंदी का ऑपरेशन करा सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे कॉपर्टी इतने दिन रखनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही होगा। और क्योंकि कॉपर्टी डली हुई है तो आपको महावारी के किसी पर्टिकुलर दिन के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपर्टी के डले डले ही आपके नसबंदी का ऑपरेशन हो जाएगा और उसी ऑपरेशन के दौरान आपकी कॉपर्टी निकल जाएगी। एक पंथ दो काज। शिल्पा कुमारी ने प्रश्न पूछा है कि मैम, मुझे 2016 में बेटी हुई थी सिजेरियन से, उसके बाद मैंने कॉपर्टी रखवाया, 2 साल के बाद मैंने कॉपर्टी निकाल दिया, पर आज दिन तक मुझे बच्चा नहीं हो रहा, इसकी तकलीफ है। कृपया ये बात समझें कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, 2016 में आपको सिजेरियन हुआ, 2 साल और कर लीजिए तो 2018, आज 2023 है, इसका मतलब है आपके 5 साल हो गए। यदि 1 साल प्रयास करने पे बच्चा होने के लिए, यानी कि आप बिना किसी गर्भ निरोधक के
रेगुलर इंटरकोर्स संभोग करते हैं और आपको बच्चा नहीं हुआ है, इसका मतलब है आपको कोई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। 80% लोगों को 100 में से बच्चा ठहर जाता है, 3 साल के अंत में 96% लोगों को बच्चा ठहर जाता है। तो आप तो उस 3% में हैं जिनको बच्चा नहीं ठहरा, तो केवल इंतज़ार करने से नहीं चलेगा। साथ में दूसरी बात ये समझें कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, हस्बैंड का भी रोल होता है, वाइफ का ही नहीं केवल। तो क्या हस्बैंड के सीमेन की आपने पानी की जांच कराई है, वो भी महत्वपूर्ण है। अब बची आपकी परिस्थिति, तो पहले तो क्या आपके महीने समय पर आते हैं, आपकी उम्र क्या है, आपका सिजेरियन किस कारण हुआ था, सिजेरियन में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई, कॉपर्टी लगवाई थी, कॉपर्टी के दौरान आपको कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम तो नहीं आई, कॉपर्टी आपने किस कारण से निकलवाया, आज आपके शरीर में अंडा बनाने की कितनी कैपेसिटी है, क्या आपको नलों में इन्फेक्शन कॉपर्टी की वजह से या बिना कॉपर्टी की वजह से तो नहीं हुई, क्या आपने अपनी ट्यूब्स का टेस्ट करवाया, क्या आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, क्या आपने अपने ओव्यूलेशन अंडा बनने के चेक करवाए, क्या आपने अपने पति के पानी की जांच कराई। ये सारी बातें जानने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि मैं डॉक्टर पूजा देवान एक इनफर्टिलिटी बांझपन IVF स्पेशलिस्ट हूँ और मैं इन सभी लोगों के इस निसंतान होने की प्रॉब्लम या दूसरा बच्चा न होने की प्रॉब्लम में आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरे चैनल पर आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं और हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 9999936009। आप उस हेल्पलाइन नंबर पे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हमसे सलाह कर सकते हैं, हमसे फॉर्मल कंसल्ट भी कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल केस के बारे में। अगर मेरी बात आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे YouTube कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालें। थैंक यू।